Today we will discuss the muscles of abdominal region. Hey, this is Neha and you are watching Physio Sinha. In this video, we will discuss the muscles of abdominal region. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि abdominal region में कितनी muscles हैं, इसको कितने part में divide किया गया है, किस region में कितनी muscles हैं and each muscles का overview देखेंगे. First हम देख लेते हैं कि abdominal muscles क्या होता है. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एब्डोमिन रीजन को सपोर्ट करती हैं. इट सपोर्ट्स द विसरा एंड मेंटेन्स द पोस्चर वेयर देयर इज नो बोनी सपोर्ट. एक्टिंग टुगेदर फॉर्मिंग अ फर्म वॉल ये स्पाइनल मसल्स को सपोर्ट करती हैं. एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो हमारे स्पाइनल मसल को भी सपोर्ट करता है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेंटेन इरेक्ट पोस्चर. एब्डोमिनल मसल्स इंटरनल विसरल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं जहां कोई बोन प्रेजेंट नहीं है एंड एब्डोमिनल मसल्स एब्डोमिनल विसरा को किसी इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है. इट कीप्स द एब्डोमिनल विसरा इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड असिस्ट द विसरा इन मेंटेनिंग द एनाटॉमिकल पोजीशन अगेंस्ट ग्रेविटी. एब्डोमिनल मसल फोर्सफुल एक्सपिरेशन में हेल्प करता है बाई पुशिंग द एब्डोमिनल विसरा अपवर्ड्स. जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, देन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है देन इट हेल्प्स इन एक्शन लाइक स्नीजिंग कफिंग वोमिटिंग डेफिकेशन एंड चाइल्ड बर्थ. इट ऑल्सो हैव अ रोल इन प्रिवेंटिंग हाइपर एक्सटेंशन. अब हम देख लेते हैं कि एब्डोमिनल मसल्स को कितने रीजन में डिवाइड किया गया है. एब्डोमिनल मसल्स को दो रीजन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज मसल्स ऑफ एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल एंड द सेकेंड इज मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. फर्स्ट हम देख लेते हैं मसल्स ऑफ एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल के बारे में. इसमें 5 मसल्स होती हैं. एंटीरोलेटरल मसल्स को फर्दर हम दो पार्ट में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज फ्लैट मसल्स एंड द सेकेंड इज वर्टिकल मसल्स. इसमें 3 फ्लैट मसल्स होती हैं एंड 2 वर्टिकल मसल्स प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट हम देख लेते हैं कि फ्लैट मसल्स कौन कौन सी हैं. फर्स्ट इज एक्सटर्नल ऑब्लीक, सेकेंड इज इंटरनल ऑब्लीक एंड द थर्ड मसल इज ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. एंड द फर्स्ट मसल हमने देखा दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लीक. अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. एक्सटर्नल ऑब्लीक एब्डोमिनल वॉल की सबसे बड़ी मसल है. इट इज अ सुपरफिशियल फ्लैट मसल. इट्स फाइबर्स रन इनफीरोमीडियली. नेक्स्ट मसल हमने देखा था दैट इज इंटरनल ऑब्लीक. इसके बारे में हम देख लेते हैं. इंटरनल ऑब्लीक जैसे कि नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है इंटरनल, इसका मतलब ये इंटरनल में लाई करेगी. इट लाइज डीप टू द एक्सटर्नल ऑब्लीक. स्ट्रक्चरली इट इज थिनर एंड स्मॉलर. इट्स फाइबर्स रनिंग सुपीरोमीडियली और हम ये भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लीक. अभी हमने देखा था कि एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल के फाइबर इनफीरोमीडियली लाई कर रहे हैं एंड इंटरनल ऑब्लीक मसल के फाइबर सुपीरोमीडियली लाई करते हैं. थर्ड मसल है हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एब्डोमिन की सबसे डीपेस्ट मसल है. इट्स फाइबर्स रनिंग ट्रांसवर्सली. इट इज एन इम्पॉर्टेंट कोर मसल. ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का प्राइमरी फंक्शन लंबर स्पाइन एंड पेल्विस को स्टेबलाइज करना है बिफोर मूवमेंट ऑफ द लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब. ये तो हमने देखा फ्लैट मसल्स ऑफ एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल के बारे में. अब हम देख लेते हैं वर्टिकल मसल्स ऑफ एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल. वर्टिकल मसल्स आर लोकेटेड इन द मिडलाइन ऑफ द एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल. इसमें हम मसल्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं. इसमें 2 मसल प्रेजेंट हैं. फर्स्ट इज रेक्टस एब्डोमिनस एंड द सेकेंड इज पिरामिडलिस. फर्स्ट हम देखते हैं रेक्टस एब्डोमिनस के बारे में. रेक्टस एब्डोमिनस इज अ लॉन्ग पेयर्ड मसल जो एब्डोमिनल वॉल में मिडलाइन की दोनों तरफ प्रेजेंट रहती है. इट इज स्प्लिट इंटू 2 बाई लीनिया अल्वा. इट इज एन इम्पॉर्टेंट पोस्चरल एंड कोर मसल. नेक्स्ट वर्टिकल मसल है हमारी पिरामिडलिस. पिरामिडलिस स्मॉल मसल है
एंड इट इज ट्रेंगुलर शेप मसल. इट इज फाउंड सुपरफिशियली टू द रेक्टस एब्डोमिनस. तो अभी हमने एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल की मसल्स के बारे में देखा. ये जो चार मसल्स हैं, दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड रेक्टस एब्डोमिनस, ये चारों मसल लार्ज मसल्स हैं ऑफ एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल. एंड ये फोर मसल्स मिडलाइन की दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं. एंड पिरामिडलिस इज अ स्मॉल मसल ऑफ एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल. इसको हम याद कैसे करेंगे, यानी कि इसका एक निमोनिक देख लेते हैं कि हमें याद करने में आसानी रहेगी. फ्लैट मसल्स को हम आसानी से याद कर सकते हैं बाय द निमोनिक टाई. जो हम गले में टाई पहनते हैं वो टाई है. हियर हियर हमने ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का फर्स्ट लेटर लिया हुआ है, दैट इज टी. एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल का फर्स्ट लेटर लिया है, दैट इज आई. एंड द थर्ड ई लिया है हमने एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से. ये तो हमने देख लिया फ्लैट मसल्स ऑफ एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल. अब देख लेते हैं वर्टिकल मसल को हम कैसे याद रखेंगे. इसमें हमारी दो मसल्स हैं, रेक्टस एब्डोमिनस एंड पिरामिडलिस. पिरामिडलिस का हम पी वाई ले लेते हैं एंड रेक्टस एब्डोमिनस का आर ई. तो हियर एक वर्ड बन जा रहा है, दैट इज प्यारे. प्यारे टाई निमोनिक से मसल्स ऑफ एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल को याद कर सकते हैं. ये तो हमने देखा मसल्स ऑफ एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल के बारे में. नेक्स्ट हम देख लेते हैं मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में. इसमें फोर मसल्स होती हैं. देख लेते हैं मसल्स कौन कौन सी हैं. फर्स्ट इज सोआस मेजर, सेकेंड इज सोआस माइनर, थर्ड इज इलियकस एंड द फोर्थ वन इज क्वाड्रेटस लंबोरम. फर्स्ट हम देख लेते हैं सोआस मेजर के बारे में. सोआस मेजर एक फ्यूजिफॉर्म मसल है. सोआस मेजर लंबर वर्टिब्रा के लेटरल में लोकेटेड होता है. नेक्स्ट मसल इज सोआस माइनर. सोआस माइनर एक स्मॉल मसल है. ये सोआस मेजर के एंटीरियर में लोकेटेड होता है और वी कैन से इट लाइज इन फ्रंट ऑफ सोआस मेजर. सोआस माइनर डजंट प्रेजेंट इन ऑल पॉपुलेशन. सोआस माइनर केवल 60% पॉपुलेशन में ही प्रेजेंट होता है. एंड द थर्ड मसल इज इलियकस. इलियकस एक फ्लैट ट्रायंगुलर मसल है. इट इज सिचुएटेड इंफीरियरली ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. इलियकस एंड सोआस मेजर आर टुगेदर नोन एज इलियोसोआस ड्यू टू देयर कॉमन इंसर्शन एंड एक्शंस. एंड द लास्ट मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल इज क्वाड्रेटस लंबोरम. इट इज थिक मस्कुलर शीट विच इज क्वाड्रिलेटरल इन शेप. यानी कि इसका शेप जो है वो क्वाड्रिलेटरल होता है. ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है. द मसल इज पोजिशन सुपरफिशियली टू द सोआस मेजर. इसको हम याद कैसे करेंगे, यानी कि इसका एक निमोनिक देख लेते हैं कि हमें याद करने में आसानी रहेगी. इसमें चार मसल्स हैं, दैट इज सोआस मेजर, सोआस माइनर, इलियकस एंड क्वाड्रेटस लंबोरम. फर्स्ट लेटर हम हर मसल का चूज करते हैं. सोआस मेजर का पी एंड द नेक्स्ट सोआस माइनर का पी. इलियकस का हम आई ले लेते हैं एंड क्वाड्रेटस लंबोरम का क्यू. इसको हम पी स्क्वायर आई क्यू ऐसे करके याद कर सकते हैं. ये तो हमने देखा मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में. Thank you for watching. Do like and share the video with your friends and batchmates and subscribe my channel. If you have any query, you can ask me in the comment section. For notes, you can follow me on Instagram. I have mentioned the link in the description box.